दोस्तों में एक कूलिंग बोल लेकर आया था, इन लोगों का हमारा मोल टास्क का है। मैंने इसके पाइप निकाली है, कैपरी और उसके जॉइंट करना है हमें इसको, चलिए करते हैं इसको रेडी। तैयार करके फिर इसको हम लगाते हैं और फिर जाते हैं गैस चार्जिंग। भाई ये हमारा हेडर है और हेडर के हमने एक एक करके सारे पाइप निकाल लिए हैं और कुछ बाकी हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो भाइयों हमारा हेडर बाहर आ चुका है, सारे पाइप हमने इसके बाहर निकाल लिए हैं, तो इसको हम बाहर हटाएंगे इसको। ये हमारा हेडर बाहर आ चुका है और अब हम अपनी नई कूलिंग कोइल के अंदर ये पूरा का हेडर लगाएंगे, एक एक करके सारे जॉइंट लगाने हैं। भाइयों ये हमारी नई कूलिंग कोइल है और इसकी हम एक एक करके सारी रबड़ निकालेंगे और रबड़ निकालने के बाद जो हमारा जो हेडर है उसमें जॉइंट करेंगे। ये हमारा नो होल का कूलिंग कोइल है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी जॉइंट करते हैं और इसको फिट करते हैं फिर कूलिंग कोइल को। तो भाई हमारा सेटर लग चुका है और छोड़ो भाई हमारे सारे हो गए हैं जॉइंट, सारे दिखाओ भाई को। शाबाश, ये लो जी कंप्लीट प्रोसेसर हो गया हमारा। ठीक है तो अभी हम लगाते हैं अपने इसी के सेक्शन और कैपिलरी के पाइप, तो चलो। भाइयों ये हमने अपनी कूलिंग कोइल फिट कर दी है और ये जॉइंट सारे हमने अच्छी तरह से बिल्कुल ब्रेजिंग कर दिए हैं, देख सकते हैं आप प्रॉपर एकदम कंपनी वाले टांके मारे हैं भाई। फिटिंग ऐसा आई है एकदम जेनुइन फिटिंग आई है कूलिंग कोइल की और ये जेनुइन ही मैं कूलिंग कोइल लेकर आया था। ये हमने सक्शन का पाइप अपना लगा दिया है और डिस्चार्ज का कंडेंसर में लगा दिया है और ये हमने अपना चार्जिंग लाइन भी फिट कर दी है। प्रेशर जा रहा है इसी के अंदर अभी और प्रेशर डालने के बाद हम इसके अंदर अपनी लीकेज चेक करेंगे। जो भी हमने ब्रेजिंग किया है ना वो सारा अपना हम एक एक करके सारे टांके चेक करेंगे कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है। ये हमारा प्रेशर इसके अंदर होल्ड है, 150 से 10+ इसके अंदर प्रेशर है, गैस का ही प्रेशर है और इसके अंदर हम करेंगे अब लीकेज चेक। प्रेशर हमारा प्रॉपर है, अब हम अपने सारे टांके चेक करेंगे किसी पॉइंट पे हमारा लीकेज तो नहीं है। एक एक करके हम सारे चेक करेंगे अच्छी तरह से और जितने भी यू बैंड हैं और हमारा जितनी ब्रेजिंग है जहाँ हमने टांके किए हैं सबको चेक करेंगे अच्छी तरह से, कहीं भी माइनर तरह की कोई लीकेज तो नहीं रही है इसके अंदर, और तभी इसके अंदर हम इस वैक्यूम करके चार्ज करेंगे। तो देखते हैं आगे हमारी कोई लीकेज तो नहीं है। वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं।
तो अब हम, ये हमारा सक्शन का पाइप है, हमने इसको निकाला था बाहर जब हमने कूलिंग कॉइल बाहर निकाली थी, और ये हम यहाँ पे भी चेक करेंगे लीकेज, यहाँ हमारी कोई लीकेज तो नहीं रह गई है। तो ये भी हमारा ठीक है, एकदम प्रॉपर वेल्ड कर दिया हमने इससे। और ये हमारा डिस्चार्ज का पाइप है, यहाँ भी हम चेक करेंगे अच्छी तरह से, कोई लीकेज तो नहीं है। और यहाँ भी हमारा ठीक ही है, प्रॉपर वेल्डिंग कर दिया है। तो सब सारे टाँके हमारे ओके हैं, कूलिंग कॉइल भी ठीक है, डिस्चार्ज सक्शन दोनों ठीक है। अब इसकी हम सर्विस कर रहे हैं, और इसका कंडेंसर बहुत ज़्यादा चौक है अंदर से, इसलिए हम इसको खोल के अच्छी तरह से इसकी सर्विस कर रहे हैं जेट पम्प की। तो सर्विस करने के बाद इसको हम वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके इसके अंदर हम गैस डाल देंगे। तो भाइयों, हमने अपना एसी को वैक्यूम पे लगा दिया है, और ये हमारा एसी अभी वैक्यूम हो रहा है, और इसको हमने अच्छी तरह से वैक्यूम करेंगे, और उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज करेंगे, और आपको दिखाते हैं। हमने सर्विस भी कर दी है इतने एसी की, ये हो रहा था वैक्यूम। तो ये एसी हमारा बहुत ज़्यादा गंदा था, इसका हमने बेस एकदम साफ कर दिया है, और ये हमारा कंडेंसर कोयल है, इसको भी हमने अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये अंदर से ही ज़्यादा चौक था हमारा कंडेंसर, तो हमने अंदर से भी काफ़ी देर में इसको साफ़ हुआ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, एकदम साफ है, इसके अंदर अब कोई गंदगी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई मट्टी है। अब ये इसका बेस है, फैन ब्लेड है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और भाई, हमारा एसी बिल्कुल प्रॉपर सर्विस हो चुका है अच्छे से, बहुत बढ़िया हमने इसकी सर्विस करी है जेट पम्प सर्विस से। और अभी भी ये वैक्यूम हो ही रहा है, तो वैक्यूम होने के बाद ही इसके अंदर हम गैस डालेंगे। दोस्तों, हमारा एसी वैक्यूम हो चुका है, तो हम अपने इस गेज को कर लेंगे इससे पहले यहाँ से बंद, और उसके बाद हम करेंगे अपना वैक्यूम पम्प बंद। वैक्यूम पम्प बंद करने के बाद चार्जिंग लाइन यहाँ से खोल लेंगे, और अपने सिलेंडर में लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा वैक्यूम हो चुका है, इसको हम होल्ड करके भी देखेंगे 5 से 10 सेकंड कि हमारा सुई वापस तो नहीं जा रही है। अगर हमारी सुई वापस नहीं जाती है तो हमारा एसी में ठीक है, लीकेज नहीं है, ये ज़रूरी है देखना। तो सिलेंडर में चार्जिंग लाइन लगाएंगे गैस डालने के लिए, और इसका हम सिलेंडर का वाल्व खोल लेंगे। वाल्व खोलने के बाद इसके अंदर हम गैस डालेंगे, ये वाल्व खुल चुका है हमारा। अब हम तैयार हैं अपने एसी में गैस डालने के लिए, तो हम इसमें छोड़ेंगे गैस। दोस्तों, हमने अपना एसी ऑन कर दिया है, और गैस भी इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत डाल दी है, और ये अभी चल रहा है अच्छी तरह से। और कैपलरी हमारी कोई सी भी चौक नहीं है, ये देख सकते हैं आप, तीनों कैपलरी हमारी बोल रही हैं, ये आइस आ रही है, तो इसके अंदर अभी गैस भी कम है। हमारा बैग अभी आ रहा है 20 समथिंग आ रहा है, 20 से नीचे ये 10 आ रहा है, तो इसके अंदर हम अभी और गैस छोड़ेंगे धीरे धीरे इसके अंदर हम गैस छोड़ेंगे। और ये हमने अपना सिलेंडर उल्टा कर रखा है, तो अभी भी इसके अंदर आइस आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी अभी गैस पूरी प्रॉपर नहीं गई है। जैसे ही हमारी आइस इसके अंदर चली जाएगी तो हमारी गैस ही पूरी हो जाएगी, हमारा जो गेज मीटर है वो भी हमारा शो कर देगा
साठ पैंसठ के आसपास आ गए कि गैस पूरी हो चुकी है। और ये देखिए हमारा बैक आया है अभी 20 समथिंग है, तो इसके अंदर हम गैस और छोड़ेंगे, अभी इसके अंदर गैस जाने देंगे और थोड़ा लंबा झटका मारेंगे गैस का और अब बंद कर देंगे। बंद करने के बाद देखेंगे कितना बैक दिखा रहा है अब, तो हमारा 40 के आसपास आ चुका है बैक, और छोड़ेंगे गैस इसके अंदर, ये भी थोड़ा लंबा झटका मारेंगे गैस का और अब बंद कर देंगे। तो अभी हमारा आया है 40 बैग आ चुका है हमारा, 40 प्लस ही है, तो इसके अंदर अभी गैस और जाएगी, ये हम और इसके अंदर छोड़ते हैं गैस और अब इसको हम करते हैं बंद। अब देखते हैं कितने पाती है, तो ये हमारा है 50 पे, 50 बैग हमारा एसी का हो चुका है और 50 प्लस ही है रिटर्न। हाँ देखते हैं अपना कैपलरी पे भी हमारी आई सारी है, और एम्पियर की बात करें तो 6.5 आ रहे हैं अभी, जो कि हमारे ये एम्पियर इसके आएंगे 7.2 या 3 के समथिंग आएंगे, तो ये देखते हैं 7.3 एम्पियर है, तो हमारा एसी इतने ही एम्पियर लेगा, तो हमारा भी 1 एम्पियर कम है, 6.5 एम्पियर ले रहा था, 6.5 एम्पियर है, तो इसके अंदर अभी गैस थोड़ी सी जाएगी और आइस अभी आ रही है हमारी कैपलरी पे, तो इसके अंदर हम अभी और ज़्यादा थोड़ी सी गैस छोड़ेंगे। ये हमने गैस छोड़ी इसके अंदर और अब हम इसको कर देंगे बंद और अब देखेंगे कैपलरी पे। तो ये देखिए हमारी गैस जाने के बाद कैपलरी पे जो आइस थी वो चली गई, तो रिटर्न हमारी आ गई है कैपलरी पे और बैक आ गया है हमारा 60 प्लस हो गया है, मतलब 65 ही मानो आप इसको, तो गैस हमारी पूरी हो चुकी है। इसको कर देंगे हम बंद और रख दी साइड में नीचे, 65 आ रहा हमारा बैक और एम्पियर देखते हैं 7.4, तो दोस्तों देख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक एम्पियर आ रहे हैं, 7.4 एम्पियर आ रहे हैं और गैस का प्रेशर हमारा आया है 65 और हमारी अच्छी तरह से इस पर से आइस भी चले गई है कैपलरी से और इस पर रिटर्न भी अच्छी आ रही है इसके सक्शन के पाइप पे। जब भी हम गैस डालते हैं तो रिटर्न भी चेक करना ज़रूरी है कि गैस पूरी होने के बाद इस पर रिटर्न हमारी कितनी अच्छी आ रही है। दोस्तों हमारा एसी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसको चलते हैं अब लगाने। तो हमने ये अपना एसी फिट कर दिया है, ग्रिल वगैरह लगा दिया, ओके हो चुका है एकदम, देख सकते हैं आप एयर फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है इसका, काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है, चिल्ड हवा आ रही है एकदम। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और भाइयों वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।